चुनाव के दौरान एक तरफ रोजगार की बात कही गई, बेरोजगारी दूर करने की बात कही गई, महिलाओं को 1 लाख रुपया देने की बात कही गई, दूसरी तरफ 5 केजी अनाज पे फिर से सरकार बन हाँ बनी है, बैसाखी पे बनी है। हाँ, वो गुरूर भी टूटा है जिनको कि बहुत अपने सीने का दम्भ था और ये सारी सारे गुरूर उनके टूटे हैं। कहा जा रहा था अब की बार 400 पार, इसको कैसे देखते हैं? वो एक भय था जो कि सही साबित हुआ। अब की बार 400 पार वो उनका आत्मविश्वास नहीं था, वो उनका भय था। बिहार को विशेष राज्य की दर्जा की मांग कर रहे थे, तो उसको कैसे देखते हैं? कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार को अभी उन्होंने फिर से कुमार को अब विशेष राज्य का दर्जा ले। मैं कह रही हूँ कि अभी तो फिर से सरकार गठबंधन में बनी गई है ना, यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं ही हैं, उन्होंने समर्थन दिया ही है, तो अब हम उम्मीद करते हैं कि वो विशेष राज्य का दर्जा ला पाने में नीतीश कुमार जी यहाँ पर सफल होंगे। तो जो है ना, 20 साल बाद भी अगर कोई व्यक्ति जंगल राज का ही जंगल गा रहा है, इसका मतलब उनको अपने कार्य के बारे में बताने के लिए कुछ भी नहीं है क्या? आज अगर गरीब बाहर कमाने ना जाए ना, तो कई ऐसे लाखों लाख ऐसे घर है जिनके घर में 2 वक्त का चूल्हा नहीं जलेगा। नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। हमारे साथ रितु जसवाल जी हैं, बात करेंगे क्योंकि आज लालू जी का जन्मदिन है। मैम, लालू जी का जन्मदिन है, कैसे देख रहे हैं? आज सामाजिक न्याय के पुरोधा महानायक लालू प्रसाद यादव जी का जन्म है। गरीबों के मसीहा या गरीबों की आवाज देने की अगर बात की जाती है, वो वक्त वो दौर भी याद किया जाना चाहिए जहाँ पर पिछड़ों को, दलितों को FIR तक भी दर्ज नहीं किया जाता था थानों में। तो समझिए कि एक बराबरी का अधिकार, साथ में बैठने का अधिकार, वो सारे अधिकार, वो ताकत, वो हिम्मत देने वाले मसीहा का जन्मदिन है। हम सभी महिला विंग की महिलाएं यहाँ पे हैं। आज हमने कार्यालय में केक काटा है, उनकी लंबी उम्र के लिए, उनके स्वस्थ जीवन के लिए शुभकामनाएं उन्हें दी हैं और भगवान से प्रार्थना किया है कि वो दीर्घायु हो, हमारे बीच हेल्दी होकर के ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हमें उनका आशीर्वाद मिले। मैम, लेकिन NDA के जो नेता हैं वो बताते हैं कि जब भी उनको गुप्ता संभालने का मौका मिला दोनों पति पत्नी को, तो जंगल राज से नवाजा गया बिहार। देखिए, ये वक्त जो है ना, 20 साल बाद भी अगर कोई व्यक्ति जंगल राज का ही जंगल गा रहा है, इसका मतलब उनको अपने कार्य के बारे में बताने के लिए कुछ भी नहीं है क्या? अपने कार्यों की बात करें कि उन्होंने 20 साल में क्या दिया है बिहार को। आज भी बिहार की स्थिति ये है कि अगर टोले में, मोहल्ले में, गाँव में आज अगर गरीब बाहर कमाने ना जाए ना, तो कई ऐसे लाखों लाख ऐसे घर है जिनके घर में 2 वक्त का चूल्हा नहीं जलेगा। ये 20 साल की सरकार ने यहाँ पर ये दिया है ना, 17 साल, अब तो 20 साल हो गए, 17 साल। हाँ, तो ये दिया है, ये हकीकत है इनके सरकार की कि आज जो है 2 वक्त के चूल्हे के लिए भी अगर किसी को बाहर जाना पड़े तो इससे और आप किस चीज़ को विकास की उसमें रखते हो जब 2 वक्त की रोटी के लिए भी किसी को बाहर जाना पड़े। मैम, एक सवाल ये पूछना है, चूँकि चुनाव के दौरान एक तरफ रोजगार की बात कही गई, बेरोजगारी दूर करने की बात कही गई, महिलाओं को 1 लाख रुपया देने की बात कही गई, दूसरी तरफ 5 केजी अनाज पे फिर से सरकार बन गई। हाँ, बनी है, बैसाखी पे बनी है। हाँ, वो गुरूर भी टूटा है जिनको कि बहुत अपने सीने का दम्भ था और ये सारी सारे गुरूर उनके टूटे हैं और बैसाखी की सरकार बनी है। देखते हैं कि क्या चला पाते हैं बैसाखी के बल पर। कहा जा रहा था अब की बार 400 पार, इसको कैसे देखते हैं? वो एक भय था जो कि सही साबित हुआ। अब की बार 400 पार वो उनका आत्मविश्वास नहीं था, वो उनका भय था और वो अपने भय को अब की बार 400 के पार के नारा में छुपा रहे थे। वो डरी हुई थी, उनको लगता था कि क्या ऐसा करें, तो वो एक्चुअली में जो 400 पार था वो भय था, ना कि आत्मविश्वास। जब बिहार को विशेष राज की दर्जा की मांग कर रहे थे, तो उसको कैसे देखते हैं? कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार को अभी उन्होंने फिर से कुमार को अब विशेष राज का दर्जा ले। मैं कह रही हूँ कि अभी तो फिर से सरकार गठबंधन में बनी गई है ना, यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं ही हैं, उन्होंने समर्थन दिया ही है, तो अब हम उम्मीद करते हैं कि वो विशेष राज का दर्जा ला पाने में नीतीश कुमार जी यहाँ पर सफल होंगे और कम से कम बिहारियों का जो है वो किस्मत थोड़ा सुधरेगा। यहाँ से ये भी लगाया जा रहा था कि रेल मंत्री मिलेगा, लेकिन रेल मंत्रालय नहीं मिला। उन्होंने जिस तरीके से ठगने का काम किया है, जिस तरह से कई ऐसे लोगों को छोड़ा गया है, किनको उन्होंने जगह दिया है केंद्र में, मंत्रियों के एक बार पन्ना पलट के जरूर देख लेना चाहिए कि किनको उन्होंने प्राथमिकताएं दी हैं और किनको उन्होंने छोड़ा है, और जिनको उन्होंने छोड़ा है उन्हें एक बार विचार जरूर करना चाहिए कि किस वजह से उन्हें छोड़ा है। तो हमारे साथ रितु जसवाल थी, साफ तौर से कह दी है कि एक बार पन्ना पलट कर जरूर देखना चाहिए, अगर उस पन्ने में इनको अगर अहमियत नहीं दी गई है
तो एक बार उनको विचार करना चाहिए। बाकी प्रतिक्रिया आप क्या देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।